नमस्कार प्रणाम, आज मैं एक फिर से टॉपिक लेकर के आया हूँ मिस्टर विष्णु राज। आखिर में समय वो बीत ही गया, पूरा महीना बीत गया, एक महीना बचा था, कोर्ट खुल गया है, अब देखिए विष्णु जी का क्या हाल होता है। अभी परसों जो है महादेव जी और उनके साथ के जो लोग हैं महादेव जी से मिलने गए थे। महादेव जी की बहुत बुरा हाल है इस समय, गर्मी बहुत पड़ रही है और अचानक फोन आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, महादेव जी के पास जेल से ही फोन आता है महादेव जी के पास, और कुछ बातें थी वो बात शेयर नहीं किया गया है। जेल से फ़ोन करते हैं महादेव जी के पास कि आपसे मिलना, विष्णु जी फ़ोन करते हैं महादेव से कि कल चले आइएगा, कुछ बात जरूरी है। महादेव जी वहाँ जाके मिलते हैं और अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, यूट्यूबरों के बारे में बात करते हैं, बेटे के बारे में बात करते हैं, तमाम लोगों को बारे में बात करते हैं, हालचाल लेते हैं, लेकिन उनकी तबीयत, दिमागी हालत तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि 7 महीना क्रॉस हो गया है अभी उसी जेल में, एक जगह जिसको बांध दिया जाए वो कैसे व्यतीत करेगा, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में घूम के काम कर रहा हो, जिसके सात मिलियन जो है सब्सक्राइबर हो, जिसको दुनिया फैन हो, जिसके खड़े हो जाने पर लाखों की भीड़ लग जाती हो, हजारों की भीड़ लग जाती हो, अगर उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो क्या हाल होगी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग दुआ और आशीर्वाद बनाए रहिए, विष्णु जी बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है कि कब मुलाकात होगी, कैसे होगी, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और मैं, हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, जितनी लोगों को मोबाइल लगी है सबके चैनल में स्वागत है, और सबके चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दुलार अपना आशीर्वाद दीजिए। बात रह गई विष्णु जी के, तो कल मैं कचहरी भी गई थी और साइबर पे भी गई थी, तो मेरी भी कुछ परेशानी थी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम था, और बार बार मेरे चैनल पे स्ट्राइक आना जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम लेके, और विष्णु जी के भी बात लेके मैं कचहरी में भी कुछ चर्चा की हूँ, तो वो क्लिप भी आप लोगों को जरूर इस वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा उस क्लिप को भी। और विष्णु जी की, भैया आप लोगों से दोस्तों मैं बताऊं कि बहुत ही परेशान है इस गर्मी में। परसों जो बताए हैं महादेव के पास फोन आता, वो जाते हैं, कुछ बातचीत होती है, वो बात को शेयर नहीं किया गया यूट्यूब पर। तो दोस्तों मैं निवेदन करूंगी आप लोग ऊपर वाले से, आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट करके बताइएगा कि विष्णु जी कितनी जल्दी आ जाएं, क्योंकि एक बेटे का प्यार छिपा है, मैं बार बार बताते आ रहा हूं। और अगर आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो बहुत जल्द विष्णु जी हमारे बाहर आएंगे। और आज जानते हैं कि संडे का दिन है, कुछ हमारी भाभी जी, कुछ बहनी दीदी लोग मुलाकात करने के लिए आई हैं, कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम लोग आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूं। और एक चीज मैं और पूछना चाहती हूं, इसमें विष्णु जी के कौन कौन चाहता है कि जल्दी छूट के आ जा, सब लोग बताइए। हम लोग चाहते हैं कि विष्णु का जबरदस्ती नहीं, जो भी फैन होगा विष्णु का, जो विष्णु को जानता होगा, फैन होगा, वीडियो देखा होगा, वही कहेगा। हाँ, जो उनका वीडियो देखे, जो और फर्जी में नहीं कहने लग जाएगा कि नहीं मैं विष्णु का फैन हूँ, जो भी जानते हो उनको, विष्णु भैया कितना जल्द से जल्दी आ जाएं। तो रही बात विष्णु जी की, चलिए विष्णु जी आ रहे हैं बहुत जल्द में, अब कब आ रहे हैं वो डेट मैं आपको दे दूंगा। तकलीफें कुछ हुई हैं और परेशानियां बढ़ी हैं, वो बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों बार बार मेरा मेरे चैनल पर स्ट्राइक मारा जा रहा है, मैं वो भी क्लिप लगा दूंगा। मेरा चंदा भाभी इंटरटेनमेंट पे चार स्ट्राइक लगा है, मौके वीडियो रिमूव है, और इसमें फिर से स्ट्राइक का खेला शुरू हो गया है, लेकिन इसका परिणाम बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। अब तक तो मैं भौकाल समझ रहा था, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपके बीच में 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर जो भी समस्या होगा वो सामने मैं आपके दूंगा। चलिए हमारे बीच में ये काफी लोग आए हैं, ये बच्ची आई है, अपने चैनल का नाम बोलिए। नाम बताओ बेटा। नीलम कनौजिया। ये नीलम कनौजिया हमारे बगल इछौरी से, इछौरी इनका घर है, जो कि मुंबई में इनका परिवार रहता है। आज के 10-15 साल पहले मैं इनके मम्मी के साथ, इनके पापा के साथ मुंबई में रहा करता था काफी दिन। आज ये भी बच्ची ब्लॉक पर काम कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए अपने चैनल का नाम। हेलो दोस्तों नमस्ते, मैं रामावती हैदरगंज से आई हूँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और ये रामावती जी हैं, अगले वीडियो में आपने देखा होगा एक समस्या और बढ़ गई इनके लिए, बताओ वो क्या समस्या स्वयं बताएंगे। हमारा चैनल हैक हो चुका है, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब हैक हो चुका है। देखिए इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब है, यूट्यूब है इनका, इंस्टाग्राम हड़बड़ा गए हैं। पहले वाला कैसे लीक हो गया, उसी में दोनों हैक हुआ। हाँ दोनों, इन्होंने क्या किया, इनका इंस्टाग्राम डिलीट कैसे हुआ, और इनके घर पे कोई रिश्तेदार आता है, इनसे बात करता है, उनको मोबाइल दे देती हैं, तो ऐसा आप लोग मत करिए बिना जाने समझे, अगर किसी को मोबाइल मत दीजिए अगर उसमें चैनल लॉगिंग है तो, ठीक है। इन्होंने दे दिया विश्वास करके, अब आईडी इनकी गायब हो गई,
ये लेकिन खुल के कह नहीं सकती हैं कि वही बंदा ने लिया है, लेकिन इनको शक है किसी पर, वो बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और इनकी इनका इंस्टाग्राम है कोई जिसमें 40,000 फॉलोअर थे। और दोस्तों दोस्तों मैं निवेदन करती हूँ इनका अपना आईडी बोलियो इंस्टाग्राम को, रामावती और 11-12 वो चेंज करता रहता है, उससे नहीं मतलब है। जो इनकी आईडी है रामावती 11-12 इनकी आईडी थी, और उस इंस्टाग्राम पर वो बंदा ले करके उससे गंदी गंदी वीडियो अपलोड कर रहा है। उसको आप लोग जितना मर्जी उतना रिपोर्ट मारिए, उस इंस्टाग्राम को आप लोग बंद करिए, बंद करिए। हाँ। इनका दूसरा इंस्टाग्राम मैं चालू करूंगा, उसके बाद उसको मैं पता लगाऊंगा। रही बात इनकी, आइए क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड, मैं वेलकम टू माई चैनल सिंगर अंतिमा निषाद जी, और मैं गाना गाती हूँ। मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी ज्यादा मतलब ज्यादा तो नहीं गाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि भैया के आशीर्वाद से हो सकता है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये अंतिमा निषाद जी हैं, चैनल का क्या नाम है बेटा? सिंगर अंतिमा निषाद। सिंगर अंतिमा निषाद हमारे बगल से हैं, बहुत दूर नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर इनका घर पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर। तो अंतिमा जी का आप लोग सपोर्ट करिए, गाना अच्छा गाती हुई मैंने सुना नहीं है, देखा था इनका एक दो बार चैनल, बाकी जो हमसे हो सकेगा क्योंकि मैं भी सिंगर हूँ, इनका मैं सपोर्ट करूँगा। चलिए एक लाइन कुछ सुनाइए। हाँ बस ठीक है, सुनाइए। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, हमने चाह लिया तुझको एतबार करके, इंतजार करके। ये अंतिमा जी का गाना था दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार, हिंदी सॉन्ग है। आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, बस इनको सिखाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा। और आप लोग इनका सपोर्ट करिए। आशा जी हमारे बीच में आई अम्बेडकर नगर से, और ये भी गाना गाती हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, हमारे चैनल का नाम है आशा ब्लॉग 300। मोबाइल में देखिए, आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, भाभी भैया को करते हैं। तो कोई गाना दो लाइन गुनगुना दीजिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा, जो भी बोलिएगा गाना सुनाइए, कोई गुना कोई भी गाना गाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आशा जी अभी आपको ये गाना सुनाएंगी, ये भी लोक गीत गाती हैं, ये रील नहीं बनाती हैं ना डांस करती हैं, लेकिन ये भी सिंगिंग लाइन में है, बड़ा अच्छा गाती हैं, अभी आपको सुनाएंगी है। और हमारे बीच में चैनल के बोलिए, चैनल बोलिए बोलिए। हेलो दोस्तों, दोस्तों नमस्ते, थोड़ा जोर से। मैं साधना ब्लॉग, मेरे चैनल का नाम है। कहाँ से हो? अकबरपुर से। ये साधना जी हैं जो कि अकबरपुर से हैं, क्या करती हैं? आप भी गाना गाती हो? अच्छा, रील पर डांस नहीं? नहीं डांस नहीं। क्या गाना, कोई गाना सुनाइए। अंगना में चुहे रस बुंदाया गना हम कैसे बटोरी, अंगना में चुहे रस बुंदाया गना हम कैसे बटोरी, ओही अंगनवा ससुरू जी का डेरा, ओही अंगनवा ससुरू जी का डेरा। चलिए ये इनका गाना आप लोगों ने सुना, मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर सुनाएंगे तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का नाम लेना है। बाकी इनके इनके चैनल पर जा करके सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम बता दिए आप? हाँ, चैनल का नाम बताएं, साधना ब्लॉग। साधना ब्लॉग, ये भी गाना गाती हैं, इनका आप लोग सपोर्ट करिएगा। और कहाँ से आया भौजी? आओ आदि आवा फटाफट बताओ क्या प्रधान, ये क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी आप फोन की थी हमारे पास ना? नहीं नहीं, हमारे साथ। अच्छा, कोई और? चलिए बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए। क्या करती हैं आप ये बताइए? शॉर्ट वीडियो ब्लॉग बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? बनाती हैं। ये चैनल का नाम क्या है? उर्मिला जाट, अयोध्या ब्लॉक यूपी। आप लोग इनका सपोर्ट करिए, अभी ज़्यादा ये बोल नहीं पाती हैं, कह रही हैं, तो इनके चैनल का नाम है, जैसे हम लोग को प्यार दिला देते हैं वैसे इनको भी दीजिएगा। चलिए आ जाइए आप लोग, बोला बोलते। तो हेलो दोस्तों, सभी के चैनल में स्वागत है। तो हमारे चैनल का नाम है बदामा यादव ऑफिशियल, हम गाना गाते हैं, दो चार गाना हम भी बनाए। हाँ, ये बदामा जी हैं, चूँकि इनका लगभग चेहरा सब लोग जानते हैं, हमारे बहुत गाने पर इन्होंने काम भी, गाना गाई है हमारे स्टूडियो में, और हमारे वीडियो में इन्होंने कई लोगों ने चेहरा देखा भी होगा, तो इनका भी आप लोग सपोर्ट करिए। और ये दोनों बहुत जाए यहाँ। हेलो दोस्तों नमस्ते, सभी के चैनल में सभी का स्वागत है, और हम सब आए हैं भाभी से मिलने, मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमारे चैनल का नाम है जितेंद्र। गले मिला है, गोल मिला है,
हेलो दोस्तों नमस्ते, सभी के चैनल में सभी का स्वागत है। तो हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, मेरे चैनल का नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज और दूसरे वाले चैनल का नाम है एपी गुड़िया सुमन, उसको भी सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। सब तो देखिए ये भाभी जी हैं, बोला बोला हेलो दोस्तों, बोला खाए के नहीं आते होगा। हेलो दोस्तों, मैं शांति हूँ की रहने वाली हूँ, मेरे चैनल का नाम है रमेश एंटरटेनमेंट। आप लोगों का चैनल का स्वागत है दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल की भी सपोर्ट करें। तो रमेश शांति एंटरटेनमेंट इनका चैनल है, इनके चैनल को आप जाइए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए। और सबका हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। तो चलिए अजीत पेंटर कुछ बोलना है तो बोल दिया। हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में अजीत पेंटर हैदरगंज में। और आप सब जाइए हमारे वीडियो में घुस घुस के देखिए, भाई साहब इतना अच्छा अच्छा कमेडी डाले हैं, भाई साहब हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। और अच्छा अच्छा कमेडी डाले हैं और कमेडी भी बना के भी रखे हैं, कमेडी बना के भी रखे हैं और कमेडी डालने वाले हैं, कल परसों में और एक कमेडी पड़ेगी, अच्छा अच्छा कमेडी पड़ी भाई साहब। तो चलिए लगभग जितने लोग आए थे, कुछ लोग चले भी गए थे, उनका सवेरे कहीं जाना था, गोरखपुर से कोई था, कोई कहाँ से था, तो जितने लोग हैं सब लोगों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि ये लोग अगर हमारे पास संडे को आती हैं तो कुछ आशाएं लेकर के और कुछ वीडियो चलने के लिए आते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके हमारी तरफ से जैसे हम लोग को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और प्यार दुलार दीजिए। वीडियो ये हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी हमको मिलना है, मान लीजिए मेरा फोन नहीं उठता है, कई लोगों का सवाल है कि भैया फोन नहीं उठाते हैं, तो बहुत व्यस्तता रहती है, फोन मेरा नहीं उठता है, आप संडे को बिना बताए आ सकते हैं। जिस दिन मैं नहीं मिलूंगा संडे को, मैं बता दूंगा वीडियो बना के कि मैं आज नहीं मिलूंगा, आप मत आइए। और जिसको गाना गाना हो और जिसको गाना गाना है हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो डेली खुला रहता है, वही स्थान है भरत कुंड नंदीग्राम सुल्तानपुर रोड जिला अयोध्या, स्टूडियो वहीं पर है, गाना कोई भी गा सकता है। बाकी सबका सपोर्ट करिए, सबका साथ सबका विकास। यूट्यूब पे हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हम लोग के पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। मेरा एक गाना आया है ना ही जा पिया लंदन, और एक गाना भी पीला गन्ना के जूस, अभी एक कजरी आ रही है उसका भी आप लोग सुनिए, कजरी दो दिन के बाद एक गाना लॉन्च होगा, और एक गाना धान रोपनी का आ रहा है इनका, वो भी आप लॉन्च होगा। कल मेरा एक गाना पड़ेगा रंजीता के ऊपर आल्हा, मैं गा चुका हूँ, आज रात में वीडियो शूट होगा, कल वो रंजीता का आल्हा आप लोग हमारे केसी म्यूजिक पर जा करके सुनिएगा। जिनको गाना मेरा सुनना है केसी म्यूजिक और निषाद केसी ऑफिशियल, गाना कैसे लगेगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और देखिए काफ़ी लोग भीड़ लग गई है, चंद्रा पेंट घुमा के कैमरा दिखा दो इन लोगों को देखने के लिए, देख लीजिए इन लोगों की भीड़ लगी है भाई साहब, आप सब लोग देख सकते हैं।